Myself is Chandu ji. Chandu. ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं वन एंड ओनली चेयरमैन. क्या बात है. चेयरमैन काहे का डरा है. बैठने के लिए चटाई नहीं दुकान में. चेयरमैन बना फिरता है यार. क्या क्या कहा तुमने. चेयरमैन तू कैसे बन गया. बैठने के लिए चटाई नहीं तो मैं चेयरमैन नहीं हूँ. ऐसे तो तुम कहोगे टेबल फैन के पास टेबल नहीं होता तो वो क्या टेबल फैन नहीं होता. हैंडपंप के साथ हैंड नहीं होता वो क्या हैंडपंप नहीं है. कपिल शर्मा कैसी बातें करते रहते हो यार. पढ़े लिखे भी लोग हमारा शो देखते हैं. लॉजिक है इसके बातों में. हाँ बिल्कुल लॉजिक है दादा. दादा मैंने आपका गाना सुना था. इस बात तुम्हें तो अपना बनाने की कसम खाई है. हाँ, अच्छा. लेकिन इस बंदे ने मेरी हर बात काटने की कसम खाई हुई है. और मैं आपको बताऊं मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन है. अरे थैंक यू. और अनुराधा जी स्पेशली मेरे पापा महेंद्रपाल जी आपके बहुत बड़े फैन है. अगर आप उनका नाम ले देंगी टीवी पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा उनको. नमस्ते महेंद्रपाल जी कैसे हैं आप. क्या बात है. वाह वाह. मेरे चाचा जोगेंद्र पाल जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं. आप प्लीज उनका नाम भी. यार चंदू. जोगेंद्र पाल जी कैसे हैं आप. जी क्या बात है. वाह वाह. थैंक यू सो मच. मेरे फूफा जो चाचा था फूफा लगा के रखा. यार लास्ट वाला बुलवाना था पैसे उन्होंने देने मेरे को. ऐसे पैसे कमाता है. तो आपने शुरू में स्पॉन्सर्स के नाम लेते. खैर मैं उदित जी आपको बधाई देना भूल गया. बहुत बहुत बधाई हो. घर में नई नवेली बहू आई है. सुबह सुबह चाय मिलती होगी. अच्छा लग रहा है घर में. अच्छा लग रहा है. जी जी. वो आज पता चल ही रहा था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है. और जब भी आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो आपने मेरी दुकान से चाय पत्ती लेनी है. पर तू क्यों मेरे गेस्ट के सामने अपनी दुकान लेके आ जाता है. मैं आपके गेस्ट के सामने दुकान नहीं लेकर आता हूँ. आप मेरी दुकान के सामने गेस्ट लेकर आ जाते हैं. चल जाओ अपनी दुकान पे जाके अपने कस्टमर को देखो. चलो कौन से कस्टमर है. मेरी दुकान पे कस्टमर कभी देखा है आपने. सुबह से लेकर सर शाम तक मैं खाली बैठा रहता हूँ. सिर्फ कल एक मक्खी आई थी. वो पूछ रही थी भैया गुड़ है. मैं क्या क्यों क्या करना है. नहीं कुछ नहीं बैठना है ताकि आपको कंपनी मिल सके. बहुत अच्छा यार चंदू जी. थैंक यू सर. आप सर अगर मेरी दुकान पे रिबन काट देंगे तो प्रमोशन हो जाएगी सर. जरूर जरूर क्यों नहीं. जी कहाँ रिबन. रिबन वो देखो. इतना मोटा रिबन लगा. रिबन फटना है या अरे दादा वो रिबन के साइड में चोटियां भी किसी की काट लाया है मुझे लगता है. तो किसकी चोटियां है. ये जो चोटियां आज मैं सबको बताऊंगा किसकी है. ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया दादा. ये चोटियां मेरी ही है. ए? अच्छा. हाँ जी वो तो जिद करके मैंने दुकान खुलवा ली. नहीं तो मेरे को ये लड़की बनाने के चक्कर में था. आप सर प्लीज. तो कोई ओपनिंग नहीं होगी. दो चार मसाले दालें रखी और दुकान की ओपनिंग करवा रहा है. क्या बड़ा काम कर कोई. कौन किराने की दुकान पे बड़ा काम. क्या हेलीकॉप्टर बेचने शुरू कर दूं मैं. देखिए मैं तो गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आया हूँ. अच्छा जी. थैले में गिफ्ट हैम्पर. गिफ्ट हैम्पर वाओ. ड्राई फ्रूट. जी ड्राई फ्रूट के डब्बे में देखो क्या? आटा और दाल डाल के लेके आया है. ये देख लो. हरकते दे इसीलिए नहीं ये दाल खाता. ये क्या है. अच्छा ड्राई फ्रूट के डब्बे में मैं दाल आटा लेकर आया हूँ और तुमने जो मर्दों में औरतें डाली हुई हैं वो. प्लीज यार मेरी दुकान की इनॉग्रेशन करवा दो फटाफट. क्या करवाना है यार. इंग्लिश में तुम जो मैं बोलता हूँ पहली बार में क्यों नहीं सुनते. खैर सर आप प्लीज अगर थोड़ा सा रिबन काट दे तो अच्छा लगेगा. ये अगर कपिल बोलेगा तो मैं करूंगा. अरे दादा कोई रिबन रिबन नहीं काटना. खुद ही अपने दादा का पजामा काट के बैग बना के ले आया. नहीं सर पता बड़ा जरूरी है. अगर नहीं इसकी ओपनिंग की ना तो अंदर पड़ा पड़ा सामान सारा एक्सपायर हो जाएगा. जब हो भी गया सर सारा सामान एक्सपायर. आटा पड़ा पड़ा सीनियर सिटीजन हो गया सर. दाल मुंह फुलाकर बैठी हुई है. 1.5 किलो चने रखे थे मैंने अंदर. सबको दाढ़ी मूछ आ चुकी है. ओह गॉड. चूहे खा खा के इतने तगड़े हो गए हैं. कल उन्होंने बिल्ली घेर ली. नॉर्मली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है. कल वो बचाओ बचाओ कर रही थी. अंडों की तो मैं आपको क्या सिचुएशन बताऊं. 3 जनरेशन आगे चले गए हैं वो. वो मुर्गियां बन गई हैं अर्चना जी और अपने चूजों को कहानियां सुना रही है. कहती है इस दुकान की ओपनिंग तब होनी थी जब हम छोटे छोटे अंडे हुआ करते. पक, 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 पक। क्या बात है. क्या बात है. चाहता क्या है. मैं सर ये चाहता हूँ कि इन्होंने ओपनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं. आप बस एक जिंगल ही गवा देंगे. फिर
जैसे दुकान चलने लगेगी मैं इनको वो देता रहूंगा अपना रॉयल्टी। नहीं यार ग्रीन टी, ग्रीन टी मेरी बिक नहीं रही, तुम रॉयल्टी की बात कर रहे हो। सो उदित सर आप प्लीज अगर जिंगल गा दें। ये जिंगल कहाँ से लाऊं? मैं देता हूँ सर आपको जिंगल, ये लीजिए। ये हाँ अच्छा अच्छा टेन स्टार स्पेशल जनरल स्टोर। क्या बात है? जनरल स्टोर स्पेशल जनरल स्टोर। राजमा भैया राजमा बढ़िया कर दे हाजमा, मिर्ची नमक मसाला की क्या बात भैया दालों की। वाह वाह क्या बात है। बढ़िया सस्ता आटा है इसमें किसी का घाटा है, जो भी इसको खाता है नरम नरम हो जाता है। क्या बात है। सर आपका मैं सामान पैक करवा देता हूँ, जो जो चाहिए आपको। थैंक यू। ठीक है थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। ओके जी। बड़ा खुश हो गया ना तू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।